हेलो फ्रेंड्स, सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग आर्टिकल के बारे में जानेंगे। आर्टिकल होता क्या है उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल को हम अग्रपद के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम हिंदी में अग्रपद कहते हैं और इसको हम नाउन से पहले प्रयोग करते हैं। आर्टिकल को नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल दो प्रकार की होती हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी है डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए एन का यूज आता है, ए और एन का प्रयोग करते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ एन अ यानी कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ए का तथा एन का दोनों का अर्थ होता है एक। इन दोनों का मीन्स होता है एक। एक यानी एक को हम ए से भी संबोधित करते हैं और एन से भी संबोधित करते हैं। कहाँ पर ए का प्रयोग होता है, कहाँ पर एन का प्रयोग होता है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। वह रूल है, जब सिंगुलर नाउन के साथ इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब नाउन से पहले उसका पहला लेटर वैवल हो, नाउन का पहला लेटर, नाउन शब्द का पहला लेटर जब वैवल होता है, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं, आयन लिखते हैं, और जब उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो एक की अंग्रेजी एन ए लिखा जाता है। कहने का मतलब, जब भी नाउन का पहला लेटर, मान लीजिए जैसे एप्पल है, एप्पल का पहला लेटर ए है, तो यहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यह वैवल है, और जब पहला लेटर वैवल होता है तो वहाँ पर एन की अंग्रेजी एक लिखा जाता है। और यही चीज़ जब अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो जाता है तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लिखते हैं। यह सामान्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ए बॉय, ए कैट, अगर उसका पहला लेटर वैवल होता है तो वहाँ पर एन, जैसे एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, तो इस प्रकार से इसको हम सामान्य रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इसका कुछ अलग नियम है प्रयोग करने के। वह नियम इस प्रकार हैं, हम देखते हैं, जब नाउन का पहला अक्षर यच हो, जब नाउन का पहला अक्षर यच हो और न का उच्चारण हो, उसका उच्चारण न का हो, तो वहाँ पर यच को साइलेंट कर दिया जाता है, यच का उच्चारण नहीं होता है, तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लिखा जाता है, एन का प्रयोग होता है। जब भी इस प्रकार से हो कि उसका पहला अक्षर यच हो और उसका उच्चारण जो है यन से हो या यच साइलेंट हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर ये रूल जो होता है वैवल और कॉन्सोनेंट वाला, वहाँ पर लागू नहीं होता है। जैसे एन आवर, इसको हावर नहीं आवर पढ़ा जाता है, तो उच्चारण के अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है एन हॉनेस्ट, यच को साइलेंट करके ऑनेस्ट के रूप में पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया, एन ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट मैन, और एन आयर, इसी प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं। अगले रूल में, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वैवल हो परंतु उसका उच्चारण कॉन्सोनेंस जैसा हो, किसी भी शब्द का पहला अक्षर वैवल हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो, तो भी उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, इसका पहला अक्षर वैवल तो है लेकिन इसका जब उच्चारण हम करते हैं तो वह कॉन्सोनेंट के तरह होता है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ये यूजफुल बुक, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़,
यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो, जब किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण वायवल की तरह हो तो वहाँ पर भी ए की बजाय एन का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर नाउन से पहले एन का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए, तो इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं जब जो है अक्षर पहला उसका कॉन्सोनेंट होता है और उच्चारण वायवल में होता है। तो अगला रूल है, यदि किसी शब्द के पहले कोई एडजेक्टिव हो, यदि किसी शब्द के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए और एन के विशेषण के अनुसार यानी कि एडजेक्टिव के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, नाउन के उच्चारण के अनुसार इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग जो है एडजेक्टिव के अनुसार ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ए बिग एलिफेंट, एलिफेंट का विशेषण शब्द बिग है, तो यहाँ पर बिग के अनुसार एडजेक्टिव के अनुसार ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा एन ओल्ड ओमैन, एन ओल्ड ओमैन इसका जो है एडजेक्टिव ओल्ड है, ओल्ड के अनुसार यानी ओ के अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग कर दिया गया। तीसरा एन अगली चाइल्ड, एन अगली चाइल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव अगली है, तो यहाँ पर यू के, यू वैवेल है और वैवेल के साथ एन का प्रयोग किया गया। चौथा इसके बाद है ए ब्लैक अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कैसा है, ब्लैक है, तो ब्लैक जो है इसका एडजेक्टिव हो गया और ब्लैक का पहला वर्ड बी है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद है ए यूजफुल बुक, यूजफुल का पहला वर्ड जो है यहाँ पर यूजफुल है, तो यहाँ पर यू वैवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एक बार फिर से आर्टिकल, आर्टिकल को अग्रपद या अग्र शब्द के रूप में जाना जाता है, यह दो प्रकार के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन का प्रयोग होता है और डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द का प्रयोग किया जाता है। ए और एन का प्रयोग हम लोग सामान्यतः नाउन का पहला लेटर यदि वैवेल होता है तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी एन लिखते हैं, जब कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पर एक की अंग्रेजी ए लिखी जाती है। इसमें कुछ अलग से भी नियम दर्शाया गया है, जिन नाउन का पहला लेटर यदि यच से हो और उसका उच्चारण जो है हम न के अनुसार करें यानी न हो या यच जो है साइलेंट हो तो वहाँ पर हम ए के बजाय एन का प्रयोग करेंगे, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, एन आयर, तो इस प्रकार से हम एन का प्रयोग करते हैं जब यच जो है साइलेंट होता है और उसका उच्चारण यन के रूप में किया जाता है। अगले नियम में यदि किसी शब्द का पहला अक्षर वैवेल हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट में हो तो भी हम एन की बजाय वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिट, ए यूजफुल बुक। दूसरा चीज, यदि उसका उस नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका उच्चारण यदि वैवेल में होता है तो भी हम कॉन्सोनेंट के हिसाब से नहीं वैवेल के हिसाब से ए और एन का यूज करते हैं, जैसे एन एम ए, एन एम पी, एन एम एल ए। अगला चीज है इसमें, यदि किसी शब्द के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए और एन का प्रयोग उसके एडजेक्टिव के अनुसार, उसके विशेषण के अनुसार किया जाता है, ना कि नाउन के अनुसार। जैसे ए बिग एलिफेंट, तो यहाँ पर बिग यानी विशेषण के अनुसार ए का प्रयोग किया गया है। एन ओल्ड ओमैन, ओल्ड के अनुसार यहाँ पर एन का प्रयोग किया गया है। एन अगली चाइल्ड और अगली के अनुसार विशेषण के अनुसार एन का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं ए और एन का। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।